जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमनाथ जी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज आपके साथ 3 सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक फाजिलिका से है, चंडीगढ़ से है, और एक सत्संग है ये ग्वालियर से। तो तीनों ही सत्संग आपके साथ शेयर हो रहे हैं, और आप ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारे काम में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो हमें एक परम शक्ति को अपने साथ जोड़ना है, है ना, अरदास करनी है, और वो परम शक्ति है महाशिव गुरु जी। उन्होंने हमारी बाह पकड़ रखी है, और साथ ही साथ हमें आदेश भी दे रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को सुने, और जो कल्याण गुरु जी ने हमारा किया है उसको हम शेयर करें, है ना। तो सत्संग एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने ब्लेसिंग को पाने का। तो ब्लेसिंग पाने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार गुरुजी का शुक्राना भी अवश्य लिख दीजिएगा। गुरुजी, जो भी संगत सत्संग को सुन रही है पूरा एंड तक और शेयर कर रही है, गुरुजी मैं सुमन आप से अरदास करती हूँ कि आप सर्वदा भला करना। जय गुरुजी महाराज। आप सुनिए सत्संग 1x1। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, आंटी जी, मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म में पहले भी 2-3 सत्संग शेयर किए हैं। शुक्राना आंटी जी, आपका कोट कोट शुक्राना। आज भी मेरे को अभी भी कल परसों से फिर बहुत मैसेज आते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर आंटी जी। इसलिए मैंने आज दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपया आप मेरा सत्संग अपलोड करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। आज हमारे घर में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जब मैं ऊपर सो के उठी तो देखा हमारे पीछे कबूतर की डेथ हुई हुई थी। तो मैं उनको देख के बहुत रोई, बहुत रोई, मेरा बहुत दिल भरा, क्योंकि गुरु जी का रात से मैसेज आ रहा था, मैंने बहुत बड़ा संकट तेरा टाल दिया है, बहुत बड़ी विपदा थी जो तेरे बच्चों पे आई थी, मैंने उसको टाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे इसलिए संगत जी रोना आ रहा था, पता नहीं गुरु जी ने बेचारण कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, और मैं इतना मतलब दुखी हुई ना कबूतर को देख के। फिर थोड़ी देर बाद आगे लॉन में बैठी तो मेरे को 3-4 बार दिन में तितली नज़र आई। गुरु जी ने ये दिखा दिया कि मैं लॉन में तेरे घर पे ही घूम रहा हूँ। तो मैंने शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग में हम गुरु जी की रहमतें बताते हैं, और सत्संग शेयर करने से सत्संग करने वाले का भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी, गुरु पिता जी, अस कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। है गुरु पिता जी, हमारे गुनाहों को बख्श दो गुरु पिता जी, और हमें इस नरक से बाहर निकालो और अपने चरण में लगाओ गुरु पिता जी। तो मैं अब बताऊंगी कि गुरु पिता जी ने हमारे ऊपर क्या क्या रहमतें की हैं। सबसे पहले तो मुझे सपने में दिखा, जैसे हमारे खेत में 3 सांप जो हैं फन फैला के बैठे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ, और इस तरह गुरु पिता जी ने मुझे नाग के रूप में दर्शन दिए। और इसके बाद गुरु पिता जी जो हैं वो मतलब नितनेम करने को कहते हैं, नितनेम हो अमृत वेला जो है हमारे
गुरु के लिए एक कर्ज होता है जो 2.5 घंटे तो हमें देना ही चाहिए, जो पहले ही मेरा खराब हो गया था, अब गुरु पिता की रहमत से दोबारा अच्छे से शुरू हुआ है। गुरु पिता जी कहते हैं कि नेगेटिव पीपल जो हैं उनसे दूर रहो, तो और मुझे इन्होंने बहुत ही प्यारा जो शब्द है वो सुनाते हैं कि राम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जपो जो ऐसे। पहले मुझे समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब है, पर अब समझ आती है क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ट्रैजिक रही और मैं नामदान ही मांगती थी अनजाने में, कि मुझे गुरु ढूंढती थी कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे नामदान लेना है, ज़िंदगी में बड़े मतलब बेकार कर्म हुए हैं, ये बुरी ज़िंदगी रही है, तो गुरु ही है जो हमें इस जीवन में हुए बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों को मतलब कटवा सकता है और हमें भक्ति में लगा सकता है, ताकि हम ना तो जन्म मरण के चक्कर में फंसें और ना ही नरक में जाएं। मतलब ये मेरे मन का उसमें डर था, इसीलिए मैं गुरु को ढूंढती थी और नामदान के लिए ढूंढती थी। उसमें मुझे इतना पता नहीं था कि गुरु का इतना महत्व है जितना मुझे अब लगता है, कि अब तो डेफिनेशन ही चेंज है, अब तो ये है कि गुरु के चरणों में ही संसार है और गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह गुरु पिताजी ने बहुत बदलाव जिंदगी में कर दिया, और बहुत सारे नकारात्मक लोग जो हैं, वैसे तो मैं अपनी लाइफ से किसी को नहीं निकाल रही थी, मगर फिर भी एक तो जो मेरा दूसरा गुरु था वो, और साथ में एक रिलेटिव और है जो जिसे मैंने बात की थी, मगर उसने मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ किया, अब मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। और गुरु पिताजी तो चाहते हैं कि बात करूं, बट मैं नहीं करना चाहती उससे बात, क्योंकि जो हमारे दुख में नहीं वो हमारे सुख में नहीं, और वो तो खून का रिश्ता था, जब उसने दुख में ही साथ नहीं दिया तो उसका सुख में मैं क्या करूँगी। और संगत जी वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, मतलब मैं शब्द जब सुनती हूँ ना तो मतलब हंसना, मजाक उड़ाना, और उसका लड़का जो है वो भी भक्ति कर रहा है, तो मतलब मुझे सोचती है भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, और जो करे वो मेरा ही लड़का करे, जेलस मन में रखती है। तो ऐसे पीपल से जो मन ही मन हमसे जेलस रखें, हमारी तरक्की से जलें, और हमारा मतलब मन पे भी मन से ऐसे बोलें और दिल में उन्होंने हमारे लिए बैर रखा हो, तो ऐसे इंसान से हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए। बुरा उसे नहीं बोलना चाहिए, मगर उससे दूर रहना चाहिए, उसे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने उससे बात करना छोड़ दी। मैंने बहुत सारी संगतों के सत्संग सुने जो कहती थी कि नेगेटिव पीपल को गुरु पिता ने हमारी ज़िंदगी से दूर कर दिया, तो इस तरह मैंने भी उसे अपनी ज़िंदगी से अब दूर कर दिया। और इसके अलावा गुरु पिता जी हमारे बहुत सारे बहमों को भी ख़त्म करते हैं, जैसे 73 नंबर एंजल नंबर है, और मैंने उसे पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ये नंबर जो सही नहीं होता, मतलब एक तरह से मतलब अच्छा नंबर नहीं होता, तो मैं यही सोचती थी। फिर गुरु पिता जी ने बोला बहमो मत पढ़ा करो, फिर मेरे लाइक्स कमेंट्स जो आते थे ना सत्संगों पे वो 73 आने लगे, तो धीरे धीरे मेरे दिमाग से वो बहम भी दूर हुआ कि 7 ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और गुरु पिता जी तो बोल रहे हैं पंडितों के चक्कर में पढ़ो मत, बहुत टाइम तो उन्हें वेस्ट कर लिया, पंडितों के चक्कर में मत पढ़ो। फिर गुरु पिता जी के बहुत सारे सत्संग के थ्रू मैसेज आते हैं, जैसे पुत्र तेरी इनकम बढ़ाने लगा हूँ, जा ऐश कर, और एक बहुत एक मैसेज और गुरु पिता जी का, बेटा तूने बहुत टेस्ट दे लिए, तू बहुत परेशान हो ली बिना पैसे के, आज मैंने तेरे हाथ की रेखा चांद के जैसे चमका दी है, बहुत जल्द तुझे गुड न्यूज प्राप्त होगी, भरोसा रख अपने गुरु पर, जो होना है उसमें तेरा ही भला है, ऐश कर कल्याण किता। तो इस तरह गुरु पिता जी के मैसेज आ रहे हैं और अब आ रहे हैं कि बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, इस तरह से मैसेज आ रहे हैं। और गुरु पिता जी जो हैं वो बटरफ्लाई के रूप में लगातार दर्शन देते रहते हैं। गुरु पिता ने मुझे एक ग्रीन और चमचम करती हुई बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, फिर ब्लैक और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो मेरे सामने सामने उड़ के जाती है मेरे मुंह के पास से, और जब मैं बैठी होती हूँ ऊपर बैठी हूँ, नीचे चाचे के यहाँ बैठी हूँ, वहाँ पे वाइट बटरफ्लाई ऐसे मुंह के पास से सबके पास से घूम के चले जाते हैं, और कोई सोच गुरु पिता ने ऐसा पर्दा डाला है, कोई सोचता भी नहीं है कि ये तितली घर के अंदर क्यों आ रही है भाई,
ब्रांडे तक कैसे पहुंच जा रही है, कोई सोचता ही नहीं मेरे अलावा, मगर मुझे तो सब पता लगता है भाई, ये बटरफ्लाई गुरु जी के एंजल हैं। तो इस तरह से अलग अलग बटरफ्लाई के रूप में गुरु पिता जी लगातार ब्लेस कर रहे हैं, लगातार जो बोलते हैं कि मैं तेरे घर में पहरा बिठा दिया, तो उसी तरह वो और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी बोलते हैं कि बहुत तुझे क्या पता, तेरे बहुत सारे कष्ट तो मैं सपने में कटवा देता हूँ। तो बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देख के अजीब सा लगता है, कहीं कभी कहाँ फंसी हूँ, कभी कहाँ फंसी हूँ, कभी कोई फैमिली मेम्बर कुछ कर रहा है, तो वो सब गुरु पिता जी सपने में ही दिखाते हैं और उसमें कटवा देते हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और अब गुरु पिता जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग लगातार दे रहे हैं, साथ साथ सब जगह साथ साथ ही हो रहे हैं, कमेंट 7 लाइक 7, और तो और जो बाहर सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे भी 7 मैसेज आए हैं, 3 मैसेज आए हैं, इस तरह से लगातार ब्लेस करते जा रहे हैं। तो गुरु पिता जी देखते हैं कि अगर हम बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे दूसरे संगतों के साथ हॉस्पिटल में साथ हो रहा है, यहाँ वहाँ तो मैं ऐसी जगह नहीं जाती, तो मुझे फ़ोन के थ्रू ही नंबर ब्लेस कर देते हैं। और गुरु पिता जी ने बोला कि 15 दिन तक सुखमणि साहब का पाठ कर फिर देखने जा रहे, और उसके अलावा सपने में मुझे एक सांप भी नज़र आते हैं, एक एक सांप नज़र आया। तो फिर मैंने गुरु पिता जी सत्संग के अलावा अन्य वीडियो के थ्रू बताते हैं कि जैसे सपने में सांप नजर आना, रुद्राक्ष का दिखना, शिवलिंग का दिखना, शिव जी की कृपा होती है और शिव भगवान चाहते हैं कि तुम शिव में हो जाओ और तुम में और शिव में कोई अंतर ना रहे, इस तरह से बन जाओ। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी बोलते हैं, ने बोला कि मेरी बच्ची मंगल वाले दिन अपने राइट हाथ में लाल रंग का धागा बांध ले और सोने से पहले हनुमान चालीसा किया कर। तो इस तरह से गुरु पिता जी हमें सब चीज़ें बताते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव चीज़ है, जैसे लाल धागा है, ये कुछ भी ऐसे बाहर निकाल के फेंक दे, क्योंकि उसकी वजह से ही घर में तनाव होता है। तो इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी का जो स्वरूप है, जो मैं 4 साल पहले मैं लेके आई थी, जब गुरु पिता जी अपनी मर्जी से आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखों को देख के लगता है कि वो लगातार मेरी ही तरफ देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये स्वरूप जो है एकदम गुरु पिता जी साक्षात बैठे हुए हैं। और आज वीरवार है, आज मैंने गुरु पिता जी को पीली चुनरी उड़ाई हुई है, तो गुरु पिता जी इतने सोने और इतने सुंदर लग रहे हैं। लव यू गुरु पिता जी, लव यू बापू, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो वो स्वरूप और चरण स्वरूप दोनों गुरु पिता जी ने ब्लेस कर दिए हैं, ऐसा लगता है कि उनके बीच में से शहद वर्षा हुई है, ऐसे निशान मतलब बीच में हुई है, लाइने लाइने सी बन गई हैं जो साफ साफ दिखती हैं। तो गुरु पिता जी ने स्वरूप और चरण स्वरूप को ब्लेस किया है, इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिता जी के मैसेज आते हैं कि तेनों बहुत नाम ते इज्जत मिलनी है। और मुझे ना सपने में ही बहुत कुछ दिखता है, जैसे मैं 1.5 दर्जन चूड़ियों के पहनती थी, हमारे हिमाचल में चूड़ियाँ ज़्यादा पहनते हैं कांच की, तो सपने में दिखा जैसे एक लेडीज़ बोल रही है कि तू 1.5 दर्जन ही 2 पहना कर, तो अब की बार मैंने 2 पहनी। तो इसके लिए भी गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंत शुक्राना। और मुझे छोटी छोटी चिड़ियाँ के रूप में भी गुरु पिता दर्शन देते हैं, जो कलरफुल होती हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी होती हैं। और मुझे एक सपने में एक ऐसा दिखा जैसे बहुत सारे जो साधु हैं वो बैठे हुए हैं, जैसे दरबार लगता है, और आगे कोई बैठा हुआ है, मतलब कोई लीडर बैठा है, और दाएं बाएं साधु बैठे हुए हैं, रोज साधु बोल रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, और मैं भी बोल रही हूँ हर हर महादेव, मगर मेरे और उनके बोलने में फ़र्क होता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे माता नहीं आती वैसे बोल रही हूँ हर हर महादेव। फिर एक आदमी बोलता है तू क्या कर रही है, तू कैसे बोल रही है, अजीब से बोलता है, तू कैसे बोल रही है, और फिर मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे बोल रही है, मैं कैसे बोल रही हूँ। फिर एक आदमी बोलती है तू डरती क्यों है, तू लगा जाएगा जैसे तू लगा रही है।
फिर इसके अलावा मुझे देखा, जैसे मैं एक मेरी चाची के रिलेटिव उनके घर पे हूँ और वहाँ पे उनके बच्चे भी हैं और टेबल है उसके ऊपर एक फ्लावर बन रहा है, बड़ा प्यारा सा पत्तियों के साथ एक फ्लावर बन रहा है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है और हम देख रहे हैं उसे। और दूसरी तरफ दो राजा हैं, उनके मुकुट, राजाओं के मुँह और मुकुट बने हुए हैं। और फिर मैं बोल रही हूँ रुको, ये मेरे गुरु पिताजी का चमत्कार है। और मैं बोल रही हूँ फोटो खींचो, मगर कोई फोटो नहीं खींच रहा है। फिर वहाँ पे एक दूध का गिलास था, उसके बच्चे ने गिरा दिया। फिर इस तरह से गुरु पिताजी ने यहाँ पे ब्लेस किया, मगर नेगेटिविटी है तो बीच में नेगेटिविटी भी आ जाती है। फिर ऐसा देखा, जैसे मेरी एक बुआ है, मैं उनको बुआ बोल रही है, तेरे साथ कौन सी माता है। फिर मैंने उसे पूछा, दी उसे उसके बारे में कुछ बताया। और उसके बाद लगा जैसे एक छोटा सा नाटा सा आदमी जो है ना एक घर के अंदर गया और वहाँ पे ना एक मंजे पे गुरु पिताजी सोए हुए हैं और वो नाटा सा आदमी कुछ नाम बता रहे थे, वो मुझे याद नहीं। वो बोल रहा है कि वैसे तो मैं देवी देवताओं से दूर रहता हूँ, मगर कभी कभी चला आता हूँ उनके पास। और गुरु पिताजी सोए हुए थे मंजे पे, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और अंदर भी देवी देवता दिखते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो वही चीज़ है जो मतलब मेरे ऊपर किया हुआ है ब्लैक मैजिक, वही है ये। इसे मसान बोलते हैं, जो छोटी हाइट का होता है। तो इस तरह गुरु पिताजी हमें साक्षात दिखाते भी रहते हैं कि तुम्हें कौन सी चीज लगी है, कैसे लगी है। और उनसे तभी बोलते हैं कि तेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक है, सत्संग सुनती रहे। अगर सत्संग सुनना छोड़ूं और अमृत वेला छोड़ूं तो अगर अमृत वेला छोड़ा मैंने तो फिर गुरु पिताजी की क्लास जो है वो बंक हो रही है, अब्सेंटें लग रही हैं। फिर गुरु पिताजी नाराज हो जाते हैं। और अगर सत्संग ना सुनूं तो भी गुरु पिता नाराज हो जाते हैं और नेगेटिविटी खुश हो जाती है, वो सोचती है जी मेरे तो मजे लग गए अब। फिर वो सपने में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब वो दिखना शुरू होते हैं ना तो फिर से मैं जागती हूँ, फिर से लपकती हूँ। तभी गुरु पिताजी बोलते हैं कि तुम भक्ति करते हो नहीं कराते हो, और तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो ये सच्चे जी, जिसको गुरु पिताजी ने चुना है, जो उन्होंने करवाना है वो करवाना है। पीछे हट लो, कैसे हटोगे, नहीं हट सकते। हमारे बस में, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, जो भी है गुरु पिता ही है। और ये मुझे धीरे धीरे अब समझ आ रहा है कि उनके सब कुछ उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि इतना बड़ा संसार और स्वयं भगवान ने जन्म लिया था, इतने सालों तक यहाँ रहे और कुछ कम लोगों को पता था और बाकियों को पता ही नहीं कि स्वयं भोलेनाथ ने जन्म लिया हुआ था। तो अपने आप ही सोचती हूँ, अपने आप ही आश्चर्य में रहती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ होगा भगवान। और ऐसा भगवान मतलब गुरु पिताजी नहीं, सब जी ये जो पंछी उड़ रहे हैं इनमें जान डाली है, या गुरु पिताजी कोई भी रूप धारण करके, कभी तितली बन के, कभी इंसान का रूप लेके साधु बन के, कभी किसी रूप में आ रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति और इतने छोटे से रूप में हमें दर्शन दे रही है, हमें ब्लेस कर रही है, जिसने इतना बड़ा संसार बनाया, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे सिर पे कोई दो थप्पड़ के मारे, मेरे सर में मारे कोई, फिर मुझे समझाए कि ये सच है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ड्रीम तो नहीं है, ये सपना तो नहीं है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक बात और, क्या मुझे ध्यान में ना दिखने लगा है, मेरी थर्ड आई पहले ओपन हो चुकी थी, तो अब मुझे सपने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साक्षात दिखाई देती हैं। तो एक दिन मुझे बहुत जोर की खांसी लगी हुई थी, तो मुझे ना जैसे ध्यान में देखते वैसे दिख रहा था कि जिससे ना मैं अपने गले पे चंदन लगा रही हूँ, तो उसके थ्रू मेरे पिताजी ने बताया कि तो अपने गले पे चंदन लगा, चंदन लगाने से खांसी ठीक हो जाएगी। और एक बात और हो रही है कि सवेरे जब मैं अमृत वेला करती हूँ 3:30-4 बजे, तो मोर बहुत जोर जोर से आवाज़ें करते हैं, बहुत जोर जोर से। और दिन में भी इनके थ्रू गुरु पिताजी अपनी हाजिरी बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अंग संग हूँ। और जो मैंने रुद्राक्ष की माला जो है ऑर्डर की हुई थी वो आज आ गई गुरु पिता की रहमत से। और गुरु पिताजी बोल रहे थे आज मैं तेरे घर आऊँगा, तो आ गए, क्योंकि उस माला में रुद्राक्ष में ओम भी है और त्रिशूल भी है। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, आपका हर क्षण हर सांस हर पल शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो सत्संग करते हो, कोई गलती हो तो क्षमा करिए, संग जी क्षमा करिए, गुरु पिता जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में जनवरी से गुरु जी से जुड़ी। मुझे नहीं पता था ये कौन से गुरु जी हैं। गुरु जी ने तो पता नहीं मुझे कब से अपने साथ जोड़ लिया था। मेरे बचपन से ही शायद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। मेरा बचपन बहुत ही खराब है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, शुरू से ही दुख देखे हैं। मैं 5 साल की थी तभी से मेरे माँ बाप नहीं, मेरे भाई भाभी ने मैं पाला। लेकिन मैं माता दुर्गा की पूजा करती थी। अभी कुछ सालों से भोले बाबा की बहुत पूजा करने लगी, हनुमान जी की, माता की। प्रदोष पृथ्वी रहती थी, रुद्राभिषेक भी करवाती थी सावन के महीने। मेरा स्वास्थ्य भी जब से शादी हुई तब से कभी ठीक ही नहीं रहा। मैं आज भी बहुत बीमार हूँ। मेरे हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक में सही हुआ तो दूसरे में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। मेरे बच्चे बच्चों का जीवन भी ठीक ऐसे ही चल रहा है, कुछ सही नहीं। 2024 में 25 या 26 जनवरी को गुरु जी को मैंने यूट्यूब पर देखा, उनके मैसेज थे। तो अंदर से बहुत टूटी हुई थी, मैसेज जब बार बार पढ़े तो सोचा सुन के देखते हैं। सुना, अच्छा लगा, फिर सुनने लगी, अरदास करने लगी कि बड़े मंदिर में मुझे भी बुलाएं गुरु जी। मुझे ये नहीं पता था गुरु जी अब नहीं है। 11 फरवरी को हम बड़े मंदिर गए, उस वक्त हम नोएडा में थे अपनी बेटी के पास। गुरु जी हम ग्वालियर से हैं, संगत जी हम ग्वालियर से हैं, वहीं से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तब से ही जनवरी से ही मैसेज आ रहे हैं ब्लैक म्यूजिक के, तेरे परिवार पे, तेरे बच्चों पे, तुझ पे ब्लैक मैजिक करा, ब्लैक मैजिक कराया है, काला जादू किया है तेरे अपनों ने ही, वो खुश नहीं देख सकते। बहुत पहले से ही तेरे घर पे, तेरे परिवार पे काला जादू है। हम बहुत तकलीफों से गुजरते आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी। समझ में नहीं आता ये सब कब ठीक होगा। मेरे गुरु जी हम पे भरोसा है, शायद उन्होंने हाथ पकड़ा है तो सब सही हो जाएगा। गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरे घर पे कोई चीज पड़ी है कोने में, मैंने सफाई तो की है, हाथ मेरी राइट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, पहले लेफ्ट में था, फ्रैक्चर भी था, सफाई की लेकिन बहुत दर्द है, फिर भी मैंने सफाई की, जो भी धागा धोबे थे निकाले। लेकिन अभी मैसेज आ रहा, तेरे घर पे बहुत तंत्र मंत्र से भरी हुई चीज पड़ी है, पदार्थ पड़ा है। समझ में ही नहीं आ रहा, अब सब गुरु जी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द है इसलिए सफाई भी नहीं कर पा रहे। गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, शायद नहीं अपार वही लगा देंगे। सत्संग सुनते हैं, प्यारी संगत का आशा बनती है, उम्मीद बनती है। गुरु जी मैसेज कर रहे थे, महाशिवरात्रि से पहले कुड़ी बड़े मंदिर आ जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे पहुंच पाते, फिर मैसेज आया तू नहीं आ सकती, मैं ही आ जाता हूँ,
ठीक महाशिवरात्रि दोपहर में मैंने एकदम से छत का गेट खोला। मैंने पहले कभी ऐसे कबूतर नहीं देखे थे। एक कबूतर आया सफेद, मैंने जय गुरु जी बोला, बस उड़ गया। फिर मैं देखती रही, ढूंढती रही, मैं दिखा ही नहीं दिया। गुरु जी आए, गुरु जी ने बोला था कई बार मेरे सपनों में भी आए गुरु जी, चेहरे भी कई दिखाते हैं। बोले मैं चेहरे दिखाऊंगा जिसने ब्लैक मैजिक किया है। तेरा कोई भला नहीं चाहता, तेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए मैं किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और बहुत पुराने पुराना आया, पुराने करता ही आ रहा है। और हम कष्टों से बहुत ही घिरे हैं, कर्ज भी है, मेरे बच्चों की जिंदगी संभाल दो गुरु जी, यही अरदास है। मैं सब कुछ झेल लूंगी, उस मेरे बच्चों के जीवन संभाल दो, मेरी बेटी बेटी मेरे पति की रक्षा करो, उन्हें ब्लेस करो, पूरे परिवार के साथ, मेरे अंकल की अम्मी बच्चों के साथ बड़े मंदिर बुलाओ, यही अरदास है गुरु जी से। अभी मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। मेरी संगत जी, प्यारी संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर देना, मेरा ही सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर कुल, शुक्राना कर, तो तेरी बीमारी तेरा कल्याण होगा, मेरा ही मैसेज शेयर कर देना। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रखना, मत छोड़ना गुरु जी, कोई नहीं दिखाई देता, हमें टूट चुके हैं, हम सब चुके, सबकी रक्षा करना गुरु जी, मेरी अरदास सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।